सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ पांच इतिहास में पढ़ाया जा रहा है, इसके अंतर्गत हमने आप लोगों को महात्मा गांधी का योगदान, इसके साथ साथ कुछ क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनकी चर्चा हमने किया था। आज आप लोगों को पुनः गोलमेज सम्मेलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के अंतिम कदम, स्वतंत्रता तथा विभाजन के विषय में चर्चा करेंगे, जिन्हें सभी बच्चे बुक के माध्यम से इस पाठ को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं गोलमेज सम्मेलन क्या है। साइमन कमीशन द्वारा सुझाए गए सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था। तो ब्रिटिश शासन ने पहला गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ किया था? नवंबर 1930 में। इसको याद रखना, पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में कहां पर? ब्रिटेन में। ठीक है, ये इसको याद रखना है। कांग्रेस ने उस सम्मेलन का बहिष्कार किया, मगर भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। मतलब जो ये गोलमेज सम्मेलन प्रथम था उसमें कांग्रेस ने तो इसको बहिष्कार कर दिया, लेकिन कुछ जो राजा थे, मुस्लिम लीग थी और हिंदू महासभा के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया। यह सम्मेलन पूरी तरीके से असफल रहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस पर जोर डाला। लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट नोट करने लायक है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो हम इसको जानेंगे कब हुआ, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्यों हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी करने के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये अंग्रेजों के कुछ रियासत देने पर कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेगी। इस समझौते से उनके अनेक राष्ट्रवादी नेता असंतुष्ट थे। फिर भी मार्च 1931 ईस्वी में कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया। तो भाग लेने के निश्चय किया किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। कुछ पॉइंट बिल्कुल नोटेड हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम रिपीट कर दे रहे हैं। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के अंतिम कदम के बारे में थोड़ा सा देख लें। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि अंग्रेजी शासन के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। विश्व परिदृश्य भी बदल रहा था। मित्र राष्ट्रों की द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी हुई, इससे नाजीवाद और फांसीवाद का अंत हो गया। दो थे, नाजीवाद और फांसीवाद, ये दोनों संस्थाओं का अंत हो गया। भारत में कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। प्रांतों के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर ब्रिटिश फौज से लड़ने के आरोप में मुकदमा दायर कर दिया। ये 3 लोग थे, शाहनवाज खान, पी के सहगल तथा पी एस ढुल्लो। इससे नाराज होकर देशव्यापी हड़ताल तथा प्रदर्शन किए जाने लगे। यह मुकदमा लाल किले में चलाया जा रहा था। आजाद हिंद फौज
कि इन तीन युवा अधिकारियों को दोषी साबित कर दिया, लेकिन इनके सजा को समाप्त कर दिया। इन आंदोलनों में छात्र एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आए। सभी भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के इस निर्णायक लड़ाई में एकजुट थे। वो चाहे किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति हो, लेकिन इस स्वतंत्रता की लड़ाई में हर व्यक्ति हर एक दूसरे के कंधा से कंधा मिला करके खड़ा था। यही हमारे देश की विशेषता है। देश में चारों तरफ अराजकता फैल गई। सेना तथा पुलिस में भी विद्रोह हुआ। 8 जनवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में भी विद्रोह हो गया। कई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। युद्ध बड़ों के नाविकों ने ब्रिटेन के ध्वज की जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भी आम हड़ताल की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सरकार का मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। थल सेना तथा वायुसेना ने भी हड़ताल की घोषणा कर दी। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से रेल डाक तथा तार सेवा भी बाधित हो गई। ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया कि भारत पर शासन करना अब उनके वश में नहीं है। मतलब ये याद दिला दिया हमारी जनता ने, हमारे देश की जनता ने अंग्रेजों को कि अब भारत में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं जिसमें आप शासन करें। इसी में वर्ष 1946 में लेबर पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लाइमेट टिटली ने घोषणा कर दी कि भारत से अपना शासन समाप्त करना चाहते हैं। जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। उसी ने घोषणा की थी कि अब हम भारत में शासन नहीं करेंगे, भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। ये आपका आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं, और होमवर्क में सभी बच्चे बुक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।